आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूँ रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में कोरोना के लगातार घटते मामलों को देखते हुए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है और कोरोना के तमाम प्रतिबंध अब हटा लिए गए हैं सिवाय नाइट कर्फ्यू को छोड़ के। मध्य प्रदेश में कई तरीके की पाबंदियां कोरोना की इस तीसरी लहर को देखते हुए लगाई गई थी। नाइट कर्फ्यू तो रात 11 से सुबह 5 बजे तक था ही, लेकिन इसके अलावा शादी या अन्य समारोह में 250 लोगों की संख्या सीमित कर दी गई थी। अंतिम संस्कार में शमशान घाट पर 50 लोगों की संख्या सीमित कर दी गई थी। इसके अलावा स्कूलों में 50 फीसदी क्षमता के साथ छात्रों को बुलाया जा रहा था, लेकिन अब ये तमाम प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है और गृह विभाग ने जो आदेश जारी किया था वो तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। क्या है नए नियम, क्या है नई गाइडलाइन, क्या नए छूट अब लोगों को मिली है कोरोना की इस तीसरी लहर में, एक बार वो जान लीजिए। दरअसल कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और नाइट कर्फ्यू को छोड़कर बाकी जो सारे प्रतिबंध लगाए गए थे उसे हटा लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सूचना जारी करते हुए बताया गया कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केसेस में लगातार कमी है और इसी को ध्यान में रखते हुए जो तमाम प्रतिबंध लगाए गए थे मध्य प्रदेश में महामारी नियंत्रण के लिए, वो सभी प्रतिबंध समाप्त किए जाते हैं। इसके साथ ही जानकारी दी गई है कि प्रदेश में अब सभी सामाजिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजन, खेलकूद और मेले पूरी क्षमता से हो सकेंगे। ये पूरी क्षमता से अब आयोजन हो सकेंगे जिन पर अब तक रोक लगी हुई थी या फिर इनमें सीमित संख्या में लोगों को जाने की अनुमति थी। इसके अलावा बड़ी खबर निकली है स्कूल कॉलेज के लिए, क्योंकि अब ये तय हो गया है सभी प्रतिबंध हटते ही कि मध्य प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज, हॉस्टल्स, छात्रावास अब पूरी क्षमता से खोले जा सकेंगे। विवाह आयोजन और अंतिम संस्कार के लिए भी संख्या का जो प्रतिबंध था उसे हटा लिया गया है। हालांकि मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपील की है कि कोरोना का संक्रमण अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए रात 11 से सुबह 5 बजे तक का रात्रिकालीन कर्फ्यू यानी नाइट कर्फ्यू अभी भी बदस्तूर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के लोगों से अपील की है कि यदि वो बाहर निकले तो कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें, मास्क पहने, लोगों से उचित दूरी बनाए रखें और समय समय पर हाथ धोते रहें। हालांकि राहत की खबर है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी से कमी आ रही है।